हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट और आइडिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, तो वो सब तो मटेरियल नाउन में आ गया या कॉन्क्रीट नाउन में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में एक विचार, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बनकर घूमती रहती हैं, तो वो किस में आती हैं? तो वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट का जो मीनिंग होता है वो अमूर्त होता है, नॉट ए फिजिकल फॉर्म, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारी क्वालिटी और डिसक्वालिटी होती है, जो भी हमारी एक बॉडी की या फिर हमारी एक माइंड की जो कंडीशन या स्टेट होती है, वो सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और आप समझ सकते हैं, ये हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपने फाइव सेंसेस की हेल्प से नहीं फील कर सकते। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, एक माइंड का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिनको मैंने कैटेगराइज करके लिखा हुआ है। जैसे क्वालिटी, तो क्वालिटी में हमारा ऑनेस्टी, ब्यूटी, ब्रेवरी, ये आ जाता है। और इसी से रिलेटेड और भी एग्जांपल्स हैं। फीलिंग में हमारा एंगर है, ग्रीड है, पिटी है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है। एक्शन में मतलब, एक्शन मतलब जो भी हम एक्शन करते हैं, जैसे लाफ्टर, तो लाफ से ही बना है लाफ्टर। ओबीडियंस, ओबे से बना है ओबीडियंस। ग्रोथ, ग्रो से बना है ग्रोथ, डिस्कवरी एसेट्रा। ये स्टेट और कंडीशन है। जैसे यूथ, तो हमारी ह्यूमन बीइंग की स्टेट्स होती हैं, जैसे चाइल्डहुड है, यूथ है, और ये कंडीशन है बिजनेस। ओके, बिजनेस मतलब एक बिजनेस होता है जब हम बिजी रहते हैं, बिजीनेस जिसे बोलते हैं, और एक बिजनेस होता है एक जो हमारा व्यापार से संबंधित जो भी लेना देना होता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे तो हमें ये ध्यान में रखने हैं, तभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी एरर्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा, वो अनकाउंटेबल होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, जैसे ऑनेस्टी, तो जो ईमानदारी होता है, कितनी ईमानदारी है, या मैनी ईमानदारी, या टू ईमानदारी, ऐसे टू ऑनेस्टी, इस टाइप से हम नहीं बोल सकते। ओके, सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कांट बी मेड प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पिटी, तो हम पिटीज नहीं कर सकते, इट विल बी रॉन्ग, तो हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते। थर्ड पॉइंट, वी कैन नॉट सी, टेस्ट, हेयर और टच एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वी कैन फील इट ओनली। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम अपने फाइव सेंसेस यूज नहीं करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील करने के लिए। ओके, फोर्थ एंड द लास्ट, नो यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो हम इसके साथ ए और एन का यूज भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। फॉर यू आई रीड लाउडली, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। टेंशन, हेल्थ, प्राइड, काइंडनेस, प्लेजर, एफिशिएंसी, स्पीच, परफॉर्मेंस, एबिलिटी, करेज, चॉइस, एडमिशन, केयरलेसनेस, एक्टिविटी, पेशेंस, स्ट्रेंथ, ट्रुथ, विजडम, वीकनेस, इनोसेंस, इम्पोर्टेंस, हेरोइज्म, थेफ्ट, हाइट, डेंजर, एब्सेंस, डेथ, गुडनेस, हीट, डर्ट, ड्यूटी, जस्टिस, डिफरेंस, क्रिएशन, मैरिज, फ्रेंडशिप, इमेजिनेशन, नॉलेज एसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने पूरी कोशिश की है, जो मेन मेन है इसमें सारे हैं। क्वालिटी भी है, आपका एक्शन भी है, आपका स्टेट भी है, कंडीशन भी है, तो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, और जो भी सजेशन हो विदाउट एनी हेजिटेशन वहाँ पर ज़रूर कमेंट करें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।